हेलो फेस्टिवल्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। टाटा कैस्ट्रल के साथ दो और एडवांस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स पर विचार कर रही है इंडियन आर्मी। अब प्राइवेट सेक्टर कंपनियां मैन्युफैक्चर करेंगी इंडियन आर्मी के अलग अलग एम्युनिशंस को। भारत का चीन को सीधा संदेश, नहीं होगा क्षेत्र अखंडता को लेकर किसी भी तरह का समझौता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के बड़े हमले को किया गया है नाकाम और भारत के खिलाफ चीन ने एक्टिव कर दी है अपनी सीक्रेट यूनिट। पूर्वी लद्दाख जैसे हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर अपने सोल्जर्स के लिए हाईली मोबाइल आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स को प्रोवाइड कराने की प्रोसेस के तहत इंडियन आर्मी तीन अलग अलग तरह के व्हीकल्स में से चुनाव करने पर विचार कर रही है। और इन तीन व्हीकल्स में एक तो है भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया टाटा का व्हील्ड आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल, जिसे टाटा कैस्ट्रल के नाम से हम जानते हैं, और बाकी दो हैं अमेरिका के स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और तीसरा है अमेरिका का ही हमवी, यानी कि हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल। और इंडियन आर्मी को इस तरह के आर्मर्ड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की जरूरत इसलिए है ताकि इनकी मदद से पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में ट्रूप्स की मूवमेंट को और तेज किया जा सके। और जबकि चाइना पहले ही एक बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में अपने आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स को तैनात कर चुका है, और इसलिए इंडियन आर्मी भी आर्मर्ड प्रोडक्शन व्हीकल्स की इन तीन अलग अलग ऑप्शंस पर विचार कर रही है। और इन तीनों में से जो टाटा कैस्ट्रल है उसके ऑलरेडी इंडियन आर्मी द्वारा ट्रायल्स लिए जाने की रिपोर्ट्स पहले भी सामने आई हैं। हालांकि अभी तक इंडियन आर्मी के सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन नहीं हुआ है। बाकी अगर आप टाटा कैस्ट्रल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग वीडियो हमने अपने दूसरे चैनल डिफेंस साइट पर बनाई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी वर्तमान समय में इंडियन आर्मी की फ्लीट में जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स मौजूद हैं वो है रशियन ओरिजिन की BMPs, जो कि आर्मी के मैकेनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट्स द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग तरह के एम्युनिशंस की एनुअल रिक्वायरमेंट को अगले 10 सालों तक पूरा करने के लिए कहा गया है। और जिन अलग अलग तरह के एम्युनिशंस के लिए कहा गया है उनमें स्मच रॉकेट सिस्टम का 300 mm का एम्युनिशन, BMP-21 सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाले 122 mm के एम्युनिशन, शोल्डर फायर रॉकेट लॉन्चर के 90 mm के एम्युनिशन, 155 mm, 40 mm और 20 mm की आर्टिलरी और एयर डिफेंस गन्स के राउंड्स, और साथ ही अलग अलग राइफल्स और कार्बाइन के 7.62 और 9 mm के राउंड्स। और इसके तहत मंगलवार को एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है, जिसमें आर्मी हेडक्वार्टर के ऑर्डिनेंस ब्रांच के मास्टर जनरल ने एम्युनिशंस के स्वदेशी निर्माण में भाग लेने के लिए संभावित निर्माताओं की पहचान करने की मांग की है। और इन एम्युनिशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट फर्म्स को इनवाइट करते समय आर्मी ने ये भी स्पष्ट किया है कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से ना तो कोई स्पेशल कंसेशन मिलेगा और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए किसी तरह का फंड या इन्वेस्टमेंट। और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आर्म्स एक्ट के तहत सारे जरूरी क्लियरेंस हासिल करने होंगे, और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी से मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस और साथ ही वो अन्य सभी परमिशंस जो कि एम्युनिशंस को भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए होती है। अभी हाल ही में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की जो पांचवी मीटिंग आयोजित हुई थी उस मीटिंग में भारत की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पेंगोंग और पूर्वी लद्दाख के अन्य फ्रिक्शन पॉइंट से ट्रूप्स के डिसएंगेजमेंट को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। और लद्दाख में स्टेटस क्यू कंडीशन को मेंटेन करने के लिए भारत की तरफ से तीन मुख्य बातें की गई हैं। पहली, पेंगोंग के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चाइनीज ट्रूप्स की पूरी तरीके से वापसी। दूसरा ये कि ग्रे जोन में जो चाइना के नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं उनको हटाना होगा। और तीसरा, यहाँ के सभी क्षेत्रों के पेट्रोलिंग राइट्स रिस्टोर किए जाने चाहिए जो कि सेंड ऑफ से पहले मौजूद थे, जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स रेगुलर बेसिस पर पेट्रोलिंग करते थे। हालांकि फिलहाल कोर कमांडर्स लेवल की पांचवी मीटिंग के बारे में ऑफिशियली स्टेटमेंट आनी बाकी है, क्योंकि उसी में बाकी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। और जबकि इसी बीच भारत सरकार की तरफ से लद्दाख में इंडो पाकिस्तान और इंडो चाइना बॉर्डर्स पर बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 24.63 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है इंडो पाक और इंडो चाइना बॉर्डर्स के पास मौजूद भारत के गांवों को डेवलप किया जाए। और इस डेवलपमेंट के दौरान एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, पावर, रूरल डेवलपमेंट, रोड्स, ब्रिजेस और इरिगेशन कैनाल्स जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर ध्यान दिया जाएगा। आज इंडियन आर्मी की बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एक IED को डिस्ट्रॉय किया गया है। ये IED 29 राष्ट्रीय राइफल्स की रोड ओपनिंग पार्टी द्वारा रिकवर किया गया था, जो कि नेशनल हाईवे पर मौजूद पेट्रोल पंप के पास प्लान किया गया था, लेकिन समय रहते इस IED को रिकवर कर लिया गया और फिर बाद में सफलतापूर्वक कंट्रोल एक्सप्लोजन के माध्यम से इसे डिमोलिश किया गया। और जबकि इसी बीच श्रीनगर में चिनार कोर के कमांडर्स के बीच एक मीटिंग भी आयोजित हुई है, और इस मीटिंग में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी फोर्सेज के पर्सनल भी शामिल थे। डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक चाइनीज आर्मी की सीक्रेट यूनिट
61398 जो कि मुख्य रूप से साइबर जासूसी के लिए जानी जाती है। चाइना के इस यूनिट को लेकर सोर्सेज का कहना है कि इसकी नज़र भारत के डिफेंस रिसर्च की इन्फॉर्मेशन पर है और इसी के चलते सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। और सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि चाइना की सीक्रेट यूनिट ने भारत के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज को और तेज कर दिया है। और बता दें कि चाइना अपने 61398 सिक्योरिटी यूनिट की मदद से काफी लंबे समय से दुनिया भर की साइबर स्पेस और जियो लोकेशन इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करता आ रहा है और हाल ही के समय में ये यूनिट्स भारत के खिलाफ काफी ज्यादा एक्टिव पाई गई हैं। और एक अन्य ऑफिशियल के मुताबिक ऐसी रिपोर्ट है कि कम से कम 3 साइबर हैकर्स इस तरह की साइबर जासूसी एक्टिविटीज के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे ओपिनियन में भी अब समय आ गया है कि भारत सरकार और इंडियन मिलिट्री को इस साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी के क्षेत्र में भी मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।